how are you all in today's video we will study about inheritance of abo blood group we can say abo system also so the blood groups are inherited from our biological parents in the same way as eye color and other genetic traits जैसे कि जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं ट्रेट्स होते हैं जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं मतलब हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं इन सिमिलर वे ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग, ओके सो हेयर आर सम फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड सो फर्स्ट वन इज क्रोमोजोम

जीन भी आपने सुना होगा इट इज अ डी एन ए सेगमेंट विच कोड्स फॉर मेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन ये डी एन ए का एक सेगमेंट होता है जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है ओके okay? कोई भी प्रोटीन बनेगा उसके लिए ये कोड करता है कौन जीन नेक्स्ट इज फिनोटाइप फिनोटाइप इज फिजिकल अपियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और वी कैन से फिजिकल कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से कैसे दिख रहा है उसका कलर क्या है साइज क्या है शेप क्या है, है? एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा ओके तो फिजिकल कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक कलर साइज शेप एक्सेट्रा इट इज नोन एज फिनोटाइप नेक्स्ट इज जीनो टाइप जीनो जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है उसमें जीन्स कैसे हैं कौन से जीन्स वो कैरी कर रहा है इज एक्जैक्टली इट इज़ इट्स जीनो टाइप नेक्स्ट इज होमोजाइगस होमोजाइगस क्या होता है हैव होमो मीन्स सेम सो हैविंग टू आइडेंटिकल जीन्स फॉर अ सर्टेन ट्रेट किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए दो सेम जीन्स हों उसको हम क्या बोलेंगे होमोजाइगस इज दैट क्लियर नेक्स्ट इज हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा होमोजाइगस का रिवर्स हो जाएगा दैट मीन्स हैविंग टू डिफरेंट जीन्स फॉर अ सर्टेन ट्रेट एक कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे उस कंडीशन को हम बोलेंगे हैट्रोजाइगस कंडीशन इज दैट क्लियर नाउ देअर आर फोर टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आई होप यू ऑल आर नोइंग देम व्हाट आर दे दे आर ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप ओके देयर आर थ्री एलील्स विच कैरी जीन फॉर दीज ब्लड ग्रुप और तीन एलील होते हैं जिनके अंदर जो कौन किस को कैरी करता है जीन को कैरी करता है इन ब्लड ग्रुप्स के लिए ओके एलील्स क्या होते हैं अब आप सोच रहे होंगे भाई ये एल्स क्या है तो एलील्स माई डियर फ्रेंड्स एक जीन की स्पेसिफिक कॉपी होती है इट इज़ अ स्पेसिफिक कॉपी ऑफ अ जीन ओके जीन की ही एक कॉपी होती है दैट इज़ नोन एज अलील सो देर आर थ्री एलील्स विच कैरी जीन्स फॉर दीज ब्लड ग्रुप आई कैपिटल आई हमारा जीन है और आई जीन के तीन एलील्स हैं वॉट आर दे आई ए एल आई बी एलील आई ओ और स्मॉल आई ओके हेयर आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट अलील एंड आई ओ और स्मॉल आई इज अ रिसेसिव एलील ओके इसका मतलब क्या हुआ आप डोमिनेंट डोमिनेंट का मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव मतलब जो स्ट्रांग नहीं होगा जो वीक होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ओके okay. तो वो क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा तो इट विल बी अ रिसेसिव अलील क्लियर सो जीन की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं बेसिकली बट जब कुछ केसेस में क्या होता है जीन की दो से ज्यादा एलील्स भी प्रेजेंट होती हैं एक सिंगल जीन के लिए तो व्हेन मोर देन टू एलील्स आर प्रेजेंट फॉर अ सिंगल जीन कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म, ओके इस पर भी आपका क्वेश्चन आता है वॉट इज मल्टीपल एलिलिज्म? तो ये क्या होगा वेन मोर देन टू एलील्स आर प्रेजेंट फॉर अ सिंगल जीन एक सिंगल जीन के लिए जब दो से ज्यादा एलील प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस नाउ लुक है इनहैरिटेंस ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप अब हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप ए है बी है ए बी है या ओ है सो आई हैव मेड थ्री कॉलम्स वन इज ऑफ एलिस्क्स्ट इज ऑफ जीनोटाइप एंड थर्ड वन इज़ ऑफ फीनो टाइप सो आई एम टेकिंग एलील आई एंड क्रॉसिंग इट विद आई एके सो वॉट विल बी द जीनो टाइप फॉर दिस The genotype will be बी आई ए आई ए एंड फिनो टाइप इज ए तो मतलब जब हमने आई ए gene ए जीन को क्रॉस करवाया तो हमें जीनो टाइप मिला आई ए और हमें ब्लड ग्रुप क्या मिला जो हमारा फिनोटाइप है वो क्या मिला ए ब्लड ग्रुप क्लियर फिर हमने क्रॉस करवाया आई और आई बी को ठीक है आई बी हमें जीनो मिला और बी ब्लड ग्रुप हमें यहाँ पे मिला नेक्स्ट वन हमने क्रॉस करवाया आई ए एंड स्मॉल आई को तो हमें क्या मिला आई ए आई इसमें क्या हुआ जो आई ए है वो डोमिनेंट है मतलब वो स्ट्रांग है स्मॉल आई से तो आई ए क्या करेगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो हेयर ब्लड ग्रुप विल बी

आई ए आई बी इसका मतलब क्या है कि ए बी हमारा डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है बोथ आर डोमिनेंट फैक्टर्स बोथ एलील्स आर डोमिनेंट तो दोनों अगर डोमिनेंट हैं तो ये दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगी दोनों एलील्स क्या होंगी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी तो जो हमें फिनोटाइप मिलेगा हमारा ब्लड ग्रुप मिलेगा दैट विल बी ए बी नेक्स्ट आई एल क्रॉस स्मॉल आय विथ स्मॉल आय मैंने स्मॉल आय को क्रॉस करवाया स्मॉल आय से तो मुझे जीनो टाइप मिला स्मॉल आय स्मॉल आय तो स्मॉल आय स्माल आई क्या है रिसेसिव है ओके okay, तो ये इसको अब कंडीशन कैसी मिली है माइडियर फ्रेंड्स होमोजाइगस कंडीशन क्योंकि दोनों में क्या है स्मॉल आय स्मॉल आय है तो इट इज़ अ होमोजाइगस कंडीशन एंड नाउ इट विल एक्सप्रेस इट्स तो जब आई ने आई के साथ क्रॉस किया स्मॉल आई ने स्मॉल के साथ क्रॉस किया तो वी विल गेट फिनोटाइप ओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप विल बी ओ आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स सो आई ए अगर एक्सप्रेस करेगा तो हमें ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा ए अगर आई बी एलील एक्सप्रेस करेगा देन वी विल गेट बी ब्लड ग्रुप वेन आई ए एंड आई बी एलील विल एक्सप्रेस देन वी विल गेट ए बी ब्लड ग्रुप ये एग्जाम्पल है कोडोमिनस का दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनस ये क्या है आई ए और आई बी क्या है कोडोमिनट एलील है को डोमिनेट एलील का मतलब क्या हुआ दे बोथ आर एक्सप्रेसिंग दैमसेल्फ ये दोनों ही क्या है डोमिनेंट है अगर दोनों ही डोमिनेंट है तो दोनों ही एक साथ क्या करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे इज दैट क्लियर सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनस नेक्स्ट इज स्मॉल आई अगर स्मॉल आई एलील एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल आई एलील एक्सप्रेस तभी करेगा जब कंडीशन कैसी होगी होमोजाइगस कंडीशन होगी तो अगर स्मॉल आय स्मॉल आई क्रॉस कर रहे हैं देन वी विल गेट ओ ब्लड ग्रुप और अगर ये आपने इस सेकेंड में देखा होगा कैपिटल सॉरी आई ए और स्मॉल आई एलील को जब मैंने क्रॉस करवाया तो कंडीशन कैसी हो गई इट इज़ अ हैट्रोजाइगस कंडीशन और हेटरोजाइगस कंडीशन में कभी भी स्मॉल आई खुद को एक्सप्रेस नहीं करता है तो स्मॉल आई अलील एक्सप्रेस इट्स सेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन और वो कैसा ब्लड ग्रुप देगा ओ ब्लड ग्रुप ओके नाओ लेट सी एलील पॉसिबिलिटीज यहाँ पे माई डयर फ्रेंड्स जो ओ है वो क्या है साइलेंट है एंड ओनली एक्सप्रेस वेन ना इधर ए नॉर बी इज प्रेजेंट ओ जीन अपरी स्मॉल आई जीन ख़ुद को कब एक्सप्रेस करेगा जब ना तो ए प्रेजेंट होगा और ना बी प्रजेंट होगा ओके okay? तो एलील पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं ब्लड ग्रुप ए के लिए आई ए आई ए नेक्स्ट इज़ आई ए स्मॉल आई ये ब्लड ग्रुप ए के लिए एलील पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट बी ब्लड ग्रुप के लिए पॉसिबिलिटीज क्या होंगी आई बी आई बी और आई बी स्मॉल आई नेक्स्ट फॉर ए बी ब्लड ग्रुप आई ए आई बी एंड फॉर द लास्ट ओ ब्लड ग्रुप स्मॉल आई स्मॉल आय दीज आर ए लील पॉसिबिलिटीज फॉर दी ब्लड ग्रुप्स ओके सो माई डियर फ्रेंड कीप दिस इन माइंड दैट ओ ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल डोनर जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है इसका मतलब क्या है ये इन चारों ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है इन सबको क्या कर सकता है ब्लड डोनेट कर सकता है लेकिन ये लेगा किससे सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है ओके नेक्स्ट ए बी ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी ब्लड ग्रुप क्या है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये सिर्फ ए बी देगा सिर्फ ए बी को ही दे सकता है ये एबी ए बी ही इसको दे सकता है इज दैट क्लियर आई होप you all have understood this topic still if you are having any doubt or query you may ask me in comment box thank you for watching and listening me